लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। यहां तक कि कॉन्टेक्ट फोर्स में नॉर्मल फोर्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे। क्या किए थे डिस्कस नॉर्मल फोर्स के बारे में, एक बार थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लो दो बॉडी कॉन्टेक्ट में है, दोबारा इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि पिछले क्लास का आपका एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। एक बॉडी जिसका नाम ए है और दूसरा बॉडी क्या है बी, और दोनों क्या है ये कॉन्टेक्ट में, दोनों क्या है कॉन्टेक्ट। तो मैं आपको कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में क्या बताया था कि जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में आता है तो एक दूसरे पे क्या करता है फोर्स लगाता है। अब बॉडी ए और बॉडी बी कॉन्टेक्ट में आया है तो बॉडी ए बी पे फोर्स लगाएगा एंड बॉडी बी ए पे लगाएगा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ एंड बॉडी बी भी ए पे लगाएगा, देखिए ऊपर की तरफ। तो ये और ये दोनों क्या है कॉन्टेक्ट फोर्सेस है, ये दोनों क्या है कॉन्टेक्ट फोर्सेस। क्यों कॉन्टेक्ट फोर्सेस है, क्योंकि जब बॉडी ए एंड बॉडी बी जब कॉन्टेक्ट में आया है तभी ये दोनों फोर्सेस लगा, दैट्स वाई इस फोर्सेस को क्या कहा गया है कॉन्टेक्ट फोर्सेस। ये फोर्स ए के द्वारा बी पे लगा है, ये वाला फोर्स बी के द्वारा ए पे लगा है। अब सुनना कि अगर ए के द्वारा जो फोर्सेस फोर्स जो लगा है ये वाला, अगर ये फोर्स बॉडी बी के सरफेस के साथ अगर 90 डिग्री पे लगेगा तो इस कॉन्टेक्ट फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, क्या बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 90 डिग्री के साथ लगा है, दैट्स व्हाई 90 यानी कि नॉर्मल, परपेंडिकुलर फोर्स भी बोल सकते हैं, क्लियर। अगर मान लीजिए कि बॉडी बी के द्वारा जो ए पे लगा है ये वाला, अगर ये फोर्स ए के सरफेस के साथ अगर 90 डिग्री के साथ लगता है तो ए कॉन्टेक्ट फोर्स को भी हम लोग क्या बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। यानी कि नॉर्मल फोर्स क्या है कॉन्टेक्ट फोर्स ही है, बट अगर कॉन्टेक्ट फोर्स सरफेस के साथ अगर 90 डिग्री लगेगा तभी उस कॉन्टेक्ट फोर्स को क्या बोलेंगे नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। इसके बारे में बात कर चुके थे, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैं एक एक चीज बताऊंगा फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, पूरा बेसिक, घबराना नहीं है। तो नॉर्मल फोर्स जब परपेंडिकुलर होता है तब, अब शुरू करते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। तो थाम लीजिए अपने अपने आप को, ध्यान से देखिएगा फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। देखिए फ्रिक्शन बोलूं या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फ्रिक्शन फोर्स, अगर ये तीन में से कहीं आप एक देखते हैं, या कहीं आप फ्रिक्शन देखेंगे, कहीं आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे, कहीं आप फ्रिक्शन फोर्स देखेंगे, तो तीनों का मतलब एक ही होता है, घबराना नहीं है। कहीं बुक में आपको यूज करा फ्रिक्शन तो कहीं यूज करा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो कहीं यूज करा फ्रिक्शन फोर्स, तो ये तीन चीज नहीं है, एक ही है, नाम अलग अलग तरीका है। यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आप फ्रिक्शन फोर्स भी बोल सकते हो या सिंपली फ्रिक्शन भी बोल सकते हो। तो यहां से घबराना नहीं है कि सर फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, नहीं नहीं तीनों एक ही होता है। आप फ्रिक्शन बोल रहे हैं मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल रहे हैं मतलब फ्रिक्शन फोर्स बोल रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल रहे हैं मतलब फ्रिक्शन बोल रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोल रहे हैं मतलब फ्रिक्शन बोल रहे हैं। यानी कि मिला जुला के मैं बोलूं कि तीनों का मतलब क्या होता है सेम, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे कि ये क्या होता है फ्रिक्शन, क्या होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्या होता है फ्रिक्शन, क्या होता है, मतलब सिंपली बोलिए फ्रिक्शन क्या होता है। स्टार्टिंग ओरिजिन से करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनना। तो पहली बात कि फ्रिक्शन जो होता है ना सर कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, पहला यही चीज कि ये कैसा फोर्स है भैया कॉन्टेक्ट फोर्स है। किस टाइप का फोर्स है कॉन्टेक्ट फोर्स, तो पहला चीज ये हो गया।
अगर कॉन्टेक्ट फोर्स है यानी कि जब बॉडी कॉन्टेक्ट में आएगा तभी ये फोर्स लगेगा, तभी फ्रिक्शन लगेगा। बात तो समझ में आ रहा है। देखो एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं फ्रिक्शन बोलू या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलू या फ्रिक्शन फोर्स बोलू, बात एक ही है। ध्यान से बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है। तीनों का मतलब एक ही है, हम फ्रिक्शन वर्ड यूज करेंगे सिर्फ, खाली फ्रिक्शन बोलेंगे तो समझिएगा तीनों एक ही चीज है। यानी कि फ्रिक्शन क्या होता है, एक्चुअली कॉन्टेक्ट फोर्स ही होता है। तो यहां से एक चीज आइडिया हमें मिल गया कि कॉन्टेक्ट फोर्स तो सिर्फ और सिर्फ कब लगता है, जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में आता है तभी लगता है। यहां से एक आइडिया मिल गया कि फ्रिक्शन भी कब लगेगा, जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में आएगा तब, जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में आएगा तभी लगेगा, तभी तो उसको कॉन्टेक्ट फोर्स कहा गया, अदरवाइज कॉन्टेक्ट फोर्स होता नहीं। तो कॉन्टेक्ट फोर्स बोला गया है इसका मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा, जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में आएगा तब लगेगा। यहां तक क्लियर? अब इसी को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि कैसे लगता है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है जिसका नाम ए है और दूसरा बॉडी है जिसका नाम बी है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, तो ये दोनों बॉडी क्या है, कांटेक्ट में है। तो बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगाएगा और बॉडी बी बॉडी ए पे फोर्स लगाएगा। यहां तक क्लियर? तो मान लीजिए कि बॉडी ए के द्वारा बॉडी बी पे मान लीजिए फोर्स एफ डैश लगाया। ध्यान से सुनिएगा, घबराना नहीं है, सारा चीज बताऊंगा कैसे क्यों होगा। मान लीजिए बॉडी ए बॉडी बी पे ये देखिए फोर्स इधर लगाया, बॉडी बी बॉडी ए पे मान लीजिए फोर्स ऐसे लगाया, मान लीजिए एफ डैश। तो ये जो फोर्स लगा है एफ डैश, इसको मान लीजिए ये जो फोर्स सॉरी ये जो बॉडी ए जो है बॉडी बी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है जिसका नाम दिए हैं एफ डैश। क्लियर? बॉडी बी जो है बॉडी ए पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है जिसका नाम दिए हैं एफ डैश। क्लियर? आप इसको दूसरा भी नाम दे सकते हैं, दे दीजिए डबल डैश। अब एक चीज और देख रहे हैं कि जो बॉडी ए जो बॉडी बी पे जो फोर्स लगाया है ये वाला बॉडी बी के सरफेस पे ही लगा है, यानी कि बॉडी बी का जो सरफेस है उसी सरफेस पे लगा है। एक चीज और ध्यान से देखिएगा, बॉडी बी जो है जो ए पे लगाया है फोर्स यानी कि एफ डबल डैश, ये फोर्स बॉडी ए के सरफेस पे ही लगा है। इसको अलग अलग करके दिखा देता हूं आपको और क्लियर हो जाएगा। ए बॉडी एंड बॉडी बी, यानी कि ए के द्वारा जो बी पे जो फोर्स लगा है ये वाला, यानी कि ए के द्वारा जो बी बॉडी पे जो फोर्स लगा था ये था, एंड बॉडी बी के द्वारा जो ए पे फोर्स लगा था क्या था, ये था। तो ये जो फोर्स जो लगा है बॉडी ए पे बॉडी बी के द्वारा लगा है, अब ये जो फोर्स लगा है ए के द्वारा बी पे लगा है। बट एक चीज यहां पे देखिए कि ये जो फोर्स लगा है बी के द्वारा बॉडी ए के सरफेस पे टेंजेंटली लगा, यानी कि सरफेस के पैरेलल लगा है, यानी कि ए बॉडी का जो सरफेस है उस सरफेस का क्या लगा है, पैरेलल लगा है, या बोल सकते हैं बॉडी ए के सरफेस के साथ टेंजेंशियली लगा, टेंजेंटली यानी कि छू कर लगा है इसे, या पैरेलल बोल सकते हैं लगा हुआ। बॉडी बी पे जो ए के द्वारा जो फोर्स लगा है एफ डैश, ये भी बी के सरफेस के साथ पैरेलल लगा है, क्या लगा है, पैरेलल लगा है, या टेंजेंटली बोल सकते हैं। बात समझ गए? तो याद रखेंगे, ध्यान से सुनिए क्या याद रखने के लिए बोल रहा हूं, कि जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में आए, जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में आए तो एक दूसरे पे फोर्स लगेगा, और जब एक दूसरे पे जब फोर्स लगेगा अगर वो फोर्स बॉडी के सरफेस के साथ अगर पैरेलली लग रहा है तो उस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। उस फोर्स को क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। यानी कि ये फोर्स इस सरफेस के साथ क्या लगा है, पैरेलली लगा है या टेंजेंटली लगा है,
ये फोर्स जो ए के द्वारा बी पे लगा है, ये भी क्या लगा है, बी के सरफेस के साथ पैरेलल ही लगा है, दैट्स व्हाई दिस फोर्स आर कॉल्ड फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स बोल सकते हैं, फ्रिक्शन बोल सकते हैं या फ्रिक्शन फोर्स बोल सकते हैं या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल सकते हैं। बहुत बेसिक बता रहा हूं, जैसे नॉर्मल फोर्स के बारे में क्या था कि जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में आएगा तो सरफेस के साथ जब परपेंडिकुलर के साथ लगेगा 90 डिग्री के साथ लगेगा तो नॉर्मल फोर्स, बट जब दो बॉडी कांटेक्ट में आएगा तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा एक दूसरे पे, बट अगर कांटेक्ट फोर्स अगर सरफेस के साथ पैरेलल होता है तो उस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। ये भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स ही है, बट दिस कांटेक्ट फोर्स आर पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के सरफेस के साथ क्या लगा है, पैरेलल ही लगा है, तो ये फोर्स को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल फोर्स सरफेस का परपेंडिकुलर, फ्रिक्शन फोर्स सरफेस का पैरेलल, अगर लगता है तो क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जब कांटेक्ट में आएगा, अब पैरेलल ही लगेगा सरफेस के साथ तो फ्रिक्शन फोर्स, अगर सरफेस के साथ नॉर्मली लगेगा तो नॉर्मल फोर्स। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया। तो ये है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। ए फोर्स कौन लगाया है, बी लगाया है ए पे, ए फोर्स कौन लगाया है, ए लगाया है ए, ये बेसिक है, ये बेसिक है। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स हम लोग किसको कह रहे हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स को ही कह रहे हैं, बट कौन सा कॉन्टेक्ट फोर्स को, जो सरफेस के साथ पैरेलली लगा है, टेंजेंशियली जो लगा है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये फोर्स पैरेलली कैसे लग गया सरफेस के साथ, यानी कि बॉडी ए बॉडी बी पे पैरेलली इस डायरेक्शन में क्यों लगाए, पैरेलली क्यों लगा, टेंजेंशियली क्यों लगा, बॉडी बी के द्वारा ए पे जो लगा ये टेंजेंशियली क्यों लगा, या बोलिए पैरेलली क्यों लगा, ये अपने से सोच के लगा दिए हैं क्या, नहीं। अभी इसको मैं प्रूफ कर दूंगा कि जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में आता है तो एक दूसरे के सरफेस पे क्या लगाता है, पैरेलली फोर्स लगाता है, यानी कि ए बी पे इस तरह से फोर्स लगाया, बी ए पे इस तरह से लगाया, यानी कि अब आगे मैं ये बताने जा रहा हूं कि बॉडी ए बी पे इस तरह से पैरेलली फोर्स कैसे लगा दिया, बॉडी बी ए पे इस तरह से पैरेलली फोर्स कैसे लगा दिया, इसको समझने जा रहे हैं, इसको समझने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर, एक एक चीज बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। मैं क्या बताने जा रहा हूं कि ये सरफेस का पैरेलल क्यों हुआ फोर्स, ये फोर्स सरफेस का पैरेलल क्यों हुआ, ये फोर्स भी सरफेस का पैरेलल क्यों हुआ, टेंजेंशियली क्यों हुआ, ये बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप लोग। क्लियर, ध्यान से देखेंगे, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ध्यान से देखिएगा इसको, तो पूरा माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी कि बहुत छोटा करके देखने जा रहे हैं इसको, बहुत ही छोटा करके देखिए, यहां पे क्या है, ये कांटेक्ट में है, यहां पे क्या है, ये कांटेक्ट में है। अभी काम करते हैं, ये जो कांटेक्ट पोर्शन जो है हम इसको ना जूम कर देते हैं, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो कांटेक्ट पोर्शन है इसको हम क्या करते हैं, जूम कर देते हैं, क्या करते हैं, जूम, मोबाइल ऐसे नहीं करते हैं आप लोग, जब नहीं दिखता है तो ऐसे करते हैं, बड़ा करते हैं, इसको भी हम क्या करें, हमको दिख नहीं रहा है बढ़िया से इस जगह कांटेक्ट में क्या क्या हुआ, तो उसको क्या करें हम थोड़ा जूम कर देते हैं। जब इसको जूम करेंगे ना पूरा हाई रेजोल्यूशन के साथ जूम करेंगे तो देखिएगा ये वाला कॉन्टेक्ट पोर्शन कैसा दिखाएगा, कैसे दिखेगा, देखिएगा आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा, बड़ा क्लियर होगा।
ध्यान से देखिए, यहां पे जो कॉन्टेक्ट में जो आया है ए एंड बी, जब हम इसको जूम करके देखें तो हमको कुछ ऐसा दिखा, हमको कुछ ऐसा दिखा। सर ऐसा क्यों दिखा सर, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा। अरे हम क्या किए ना, इसको बहुत ज्यादा जूम कर दिए हैं, बहुत ज्यादा जूम कर दिए, इतना जूम कर दिए कि यहाँ पूरा हमको ऐसा दिखने लगा। ये ऐसा क्यों दिखा अब बता रहा। एक्चुअली बॉडी ए का जो सरफेस जो है और बॉडी का बी का जो सरफेस जो है एक्चुअली इरेगुलर है। इरेगुलर यानी कि बोल सकते हो उबड़ खाबड़ है, मतलब कहीं होल है कहीं गड्ढा है, जो हमें नहीं दिखता है। हम नॉर्मली जब देखेंगे तो हमें नहीं ज्यादा दिखता है, बट अगर तो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल में अगर जूम करके देखेंगे उसको ना, तो हमें कुछ कुछ दिख जाएगा। हमें क्या कर जाएगा, दिख जाएगा, जनरली हमें नहीं दिखेगा। जैसे मान लो कि अगर ये बुक है, तो अगर ये बुक को हम देखते हैं तो थोड़ा स्मूथ दिख रहा है, बट इसको हम जूम करके एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखेंगे बाबू, तो कुछ कुछ दिखेगा, कुछ कुछ हमें इरेगुलर सरफेस दिखेगा। इरेगुलर यानी कि मतलब बढ़िया सरफेस नहीं, उबड़ खाबड़ है एकदम करके इस टाइप का। क्लियर, मतलब कहीं गड्ढा है कहीं ऊंचा है इस टाइप का, बट रेगुलर सरफेस नहीं, इरेगुलर यानी कि सरफेस बढ़िया नहीं है, ग्रेडियंट है, उबड़ खाबड़ है। वो हमें कब पता चला, जब हम इसको जूम किए ज्यादा से ज्यादा तब। ऐसे तो हमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट जब हम जूम किए ना तब जाके दिखा, तब जाके ऐसे दिखा। यानी कि जब इसको कॉन्टेक्ट में लाए तो बॉडी बी का जो सर्फेस इरेगुलर था, बॉडी ए का जो इरेगुलर सर्फेस था, कॉन्टेक्ट में आने से क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। कैसे हो गया, बॉडी बी का जो सरफेस था इरेगुलर था, उबड़ खाबड़ था। कब हमको पता चला, जब जूम करके देखे तब, ऐसे नहीं दिख रहा था, ऐसे तो बढ़िया दिख रहा था, बट जैसे जूम किए तो थोड़ा दिखने लगा क्लियर करे, हाँ है बॉडी ए का भी वैसे ही सरफेस था। जब दोनों कॉन्टेक्ट में आया तो कुछ ऐसे लॉक हो गया, जब दोनों कॉन्टेक्ट में आया तो कुछ ऐसे लॉक हो गया, ऐसे देखिए लॉक हो गया कि नहीं, इस तरह से लॉक हो गया। ये बात समझ में आया, क्लियर। देखिए काम करते हैं उसको, और एक बढ़िया सा डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। हो गया, यानी कि जैसे ही जब ए बॉडी बी बॉडी को कांटेक्ट में लाए तो बॉडी बी के सरफेस में जो इरेगुलर सरफेस था, जो बॉडी ए के पास जो इरेगुलर सरफेस था, दोनों जब कांटेक्ट में लाया गया तो वो एक दूसरे को इस तरह से क्या हो गया, लॉक्ड हो गया, एक दूसरे क्या हुआ, इंटरलॉक्ड हो गया ऐसे ऐसे। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये वाला जो सरफेस बना है बॉडी बी का है और ये जो सरफेस बना है बॉडी ए का है। आप देख रहे हैं कि क्या हो गया, यहाँ पे इंटरलॉक्ड हो गया, क्या हो गया, ये इंटरलॉक हो गया। यानी कि ये क्या दिख रहा है, ये इंटरलॉक दिख रहा है, यानी कि एक दूसरे को इस तरह से फंस गया है, यानी कि इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग हो गया है। और इंटरलॉकिंग क्यों हुआ है, ड्यू टू इरेगुलरिटीज, इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेसेस, या बोल सकते हैं कॉन्टेक्ट सरफेसेस, कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। यानी कि ये इंटरलॉक हुआ है तो किसके वजह से हुआ है, ये बॉडी ए और बॉडी बी का जो इरेगुलर सर्फेस था कॉन्टैक्ट सर्फेस, उसके वजह से हुआ है, दोनों फंस गया है। वेरी गुड, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए मान लीजिए ये दोनों बॉडी पहले क्या था, रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में था और बॉडी बी भी क्या था, रेस्ट में था, कोई भी मूव नहीं कर रहा था। अब मान लीजिए बॉडी ए टेंस टू मूव, और बोल सकते हैं मूव, यानी कि मान लेते हैं कि बॉडी ए जो है मूव करने की कोशिश कर रहा है या मूव कर रहा है। ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक चीज। मान लीजिए बॉडी ए मूव करने की कोशिश कर रहा है, मतलब मूव नहीं किया, करने की कोशिश कर रहा है या मूव कर रहा है, दोनों में से कोई आप कंसिडर कर सकते। सिमिलरली बॉडी बी भी ये मूव नहीं कर रहा है, यानी कि टेंस टू मूव, या बोल सकते हैं मूव,
यानी कि मान लीजिए बॉडी बी टेंस टू मूव, यानी कि मूव करने की कोशिश कर रहा है, मींस नहीं कर रहा है, या बोल सकते हैं मूव कर रहा है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप मूव करा रहे हैं या मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? इसलिए हम दोनों चीज बोल दे रहे हैं। आपके मन में होगा कि सर मूव कराएंगे, तो चलो ठीक है मूव करा। आपके मन हुआ कि सर मूव नहीं कर रहा, मूव करने की कोशिश कर रहा है, तब की बात है। तो इसलिए हमने बोल दिया कि मूव कर रहा है या मूव करने की कोशिश कर रहा है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहां भी बॉडी बी के लिए भी मूव कर रहा है या मूव करने की कोशिश कर रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? गुड। अब ध्यान से सुनिएगा क्या होगा यहां पे। जब सोचो कि जब बॉडी ए मूव करने की कोशिश करेगा, मूव कर रहा होगा, इधर बॉडी मूव करने की कोशिश कर रहा होगा, तो क्या हो रहा होगा? ध्यान से सुनो कि जो बॉडी ए का जो ये सरफेस है, ये क्या है? बॉडी ए का सरफेस है, और ये वाला किसका है बाबू? बॉडी बी का है। अब यहां पे देखो क्या आया है, कांटेक्ट में आया। तो जैसे ही कांटेक्ट में आता है, एक दूसरे पे क्या करता है? फोर्स लगाना शुरू कर देता है। फोर्स लगाना क्या कर देता है? शुरू कर देता। अब इस जगह पे कॉन्टेक्ट में आया है तो बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगाएगा एंड बॉडी बी ए पे फोर्स लगाएगा। अब बॉडी ए इस जगह पे देखो कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा, एलोजी ऐसे फोर्स लगाएगा इधर ऐसे। अब जब बॉडी ए इधर फोर्स लगाएगा तो बॉडी बी क्या करेगा? इधर फोर्स लगाएगा। यानी कि ये जो फोर्स लगा है बॉडी ए के द्वारा बॉडी बी पे लगा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। और ये जो फोर्स है बॉडी बी के द्वारा बॉडी ए पे लगा है इस जगह पे, इस डायरेक्शन। क्यों लगा? क्योंकि यहां पे कांटेक्ट में है, और कांटेक्ट में तो एक दूसरे का फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। सिमिलरली इस जगह पे देखते हैं कि ये जो सरफेस है किसका? ए का है, और ये वाला सरफेस किसका? बी का है। तो यहां पे कांटेक्ट में है तो क्या करेगा? बॉडी ए बी पे लगाएगा, बॉडी बी ए पे लगाएगा। यानी कि ये रहा आपका, ये फोर्स कौन लगाया? ए लगाया बी पे ऐसे। इसी जगह पे बी भी ए पे लगाएगा इसके अपोजिट एक्स। वाओ, समझ में आ रहा है सबको? आना भी चाहिए, एक तो बड़ा आसानी से बता रहा हूं इजी करके, क्योंकि अगर एक बार फ्रिक्शन आप समझ गए ना तो लाइफ में दोबारा फ्रिक्शन समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आज हायर क्लासेस में जाएंगे तो फ्रिक्शन सीधा फॉर्मूला से उठा के फेंकता है, बेसिक समझ में नहीं आता है, और जब बेसिक नहीं आता ना तो प्रॉब्लम बनता ही नहीं है इसका। इसलिए मैं पूरा बेसिक दे रहा हूं कि दोबारा आप लोगों को कभी कहीं नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। यहां भी क्या है? कांटेक्ट में है तो बॉडी ए बी पे लगाएगा इधर, एंड बी भी क्या करेगा? इधर फोर्स लगाएगा। क्लियर? तो एक काम करते हैं, जो बॉडी ए के द्वारा जो फोर्स लग रहा है बी पे उसको कुछ और नाम दे देते हैं, और बॉडी बी के द्वारा जो ए लग रहा है उसको कुछ और नाम दे देते हैं। तो मान लेते हैं बॉडी ए के द्वारा जो बॉडी बी पे जो फोर्सेस लगा है उसको मान लेते हैं एफ डैश, एंड बॉडी बी के द्वारा जो ए पे लगा है उसको मान लेते हैं डबल डैश। क्लियर? अब ध्यान से सुनेंगे बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग अब होने जा रहा है। अब ध्यान से देखिए कि बॉडी बी के द्वारा ए पे जो फोर्सेस लग रहा है, जहां जहां लग रहा है ए पे, सबका डायरेक्शन इधर है। यानी कि बॉडी ए पे बॉडी बी के द्वारा जो फोर्सेस लग रहा है ए पे, वो सारे फोर्सेस का इस डायरेक्शन में आप देख सकते हैं। आप ये एफ डबल डैश जो है ये कौन इसका डायरेक्शन किधर है? इधर है। यानी कि बॉडी ए पे बॉडी बी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या है? इधर है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग कि बॉडी ए है ये, यानी कि बॉडी बी पे सॉरी बॉडी ए के द्वारा जो ए पे जो लगा है, बॉडी बी के द्वारा ए पे जो लगा है उसका जो डायरेक्शन एफ डबल डैश का, ये किधर है? इधर है। यानी कि देखिए एफ डबल डैश देखिए इधर है ना, बॉडी ए पे फोर्स किधर लग रहा है? बी के द्वारा। इधर देखिए हमने दिखा दिया इधर। नेक्स्ट आता है, अब ए के द्वारा जो बी पे जो फोर्सेस लग रहा है, जहां जहां कॉन्टेक्ट में आया है वो सारे फोर्सेस का डायरेक्शन किधर है? इधर है। देखिए एफ वन एफ डैश जो है ये सब का सब क्या है? डायरेक्शन इधर है। यानी कि बी पे जो ए के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो सारे फोर्सेस का डायरेक्शन किधर है? इधर है। यानी कि बी जो बॉडी है, बी बॉडी पे जो ए के द्वारा जो फोर्स लगा है उसका डायरेक्शन क्या है?
इधर। हाय हाय, कुछ मिली जुली लग रहा है। इसको एक काम करते हैं, इसको टेंजेंटली दिखा देते हैं। अभी आप लोग उतना नहीं हुए हैं क्योंकि अभी आप लोग को चल रहा है। देखिए देखिए यहां से देखिए, क्या ये वाला डायग्राम यहाँ पे है कि नहीं। ए के द्वारा जो बी पे फोर्सेस लगाया उसका डायरेक्शन सब इधर दिख रहा है, बी के द्वारा जो ए पे लगाया उसका डायरेक्शन इधर दिख रहा है। देखिए ये जो फोर्सेस है बी के द्वारा लगा जो इसका डायरेक्शन इधर है, ये जो फोर्सेस है ये सिंबल डैश, ये जो फोर्सेस है जो ए के द्वारा है जो इधर लगा है। क्या स्टार्टिंग में यही ना बताए थे बाबू, स्टार्टिंग में हम यही ना बताए थे क्या, बताए थे कि नहीं। ये वेरी गुड। एक चीज और ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये फोर्सेस एफ डैश और एफ डबल डैश कब लगा, जब कॉन्टेक्ट में आया तब। यहाँ पे कॉन्टेक्ट में आया तभी ना, यानी कि कॉन्टेक्ट में आया, वेरी गुड। और एक कॉन्टेक्ट में आया है तो ये तो कॉन्टेक्ट फोर्स है, बट एफ डैश जो ए के द्वारा जो बी पे लगा है वो बी के सरफेस के साथ पैरेलली लगा है। देख लीजिए क्या लगा है, पैरेलली लगा है, यानी कि एफ डैश जो है ए के द्वारा लगा है, कब लगा, जब कॉन्टेक्ट में है तब, और बी के सरफेस के साथ पैरेलली लगा। तो जो जब कोई भी कॉन्टेक्ट फोर्स सरफेस के साथ पैरेलली होता है तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं एफ डबल डैश पे। एफ डबल डैश भी कब फोर्स लगा, जब कॉन्टेक्ट में आया तब, जब कॉन्टेक्ट में आया तब, यानी कि एफ डबल डैश भी क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स है। बट एफ डबल डैश बी के द्वारा ए पे लगा है, वो भी ए के पैरेलली लगा है, ए के सरफेस के पैरेलली लगा है, यानी कि एफ डबल डैश भी कॉन्टेक्ट फोर्स है बट ए के सरफेस के साथ क्या है, पैरेलली है। दैट्स व्हाई ये भी क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, ये भी क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। अब समझ में आया कि ये पैरेलली क्यों लगा है। पैरेलली इसलिए लगा है कि जब दोनों को कॉन्टेक्ट में लाया गया था तो दोनों का जो सरफेस इरेगुलर था, इरेगुलर होने की वजह से क्या हो गया, इंटरलॉक हो गया। अब जैसे ही इंटरलॉक हुआ तो जब एक दूसरे को बढ़ना शुरू किया, मूव करना शुरू किया तो एक दूसरे को क्या करना, खींचना शुरू किया। जैसे बॉडी ए मूव करना शुरू किया तो बॉडी ए क्या किया, बॉडी बी पे इधर तरफ दबा रहा है। देखो एफ डैश डैश लगा के क्या कर रहा है, दबा रहा है इधर, यानी कि बॉडी ए बी पे इधर दबा रहा है फोर्स लगा के, और भी पैरेलली लगा रहा है सरफेस के साथ। जब बॉडी बी मूव कर रहा था इधर, तो बॉडी जब बी मूव कर रहा था तो ये एफ डबल डैश फोर्स लगा के क्या कर रहा था, बॉडी ए को इधर खींच रहा था, यानी कि बॉडी बी ए पे इधर फोर्स लगा रहा था। ये समझ में आया, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं यहां पे कि ये पैरेलली क्यों कैसे लगा, पैरेलली क्यों लगा, ध्यान सुने कि जब बॉडी ए मूव कर रहा था तो बॉडी ए एफ डैश बॉडी बी के सरफेस पे लगा के क्या कर रहा था, इसको ऐसे दबा रहा था, ऐसे, यानी कि बॉडी ए के द्वारा जो एफ डैश जो फोर्स लग रहा है बॉडी बी के सरफेस पे क्या लग रहा है, पैरेलली लग रहा है। यहां से हम देखें उसी तरह से जब बॉडी इधर मूव कर रहा था देखें तो बॉडी बी बॉडी ए के सरफेस पे क्या कर रहा था, इस तरह से फोर्स लगा कि एफ डबल डैश दबा रहा, क्या कर रहा था, दबा रहा था, यानी कि बॉडी बी के द्वारा बॉडी ए पे पैरेलली फोर्स लगाया। समझ में आ गया, फ्रिक्शन फोर्स समझ में आया बढ़िया से। ये वाला अगर आप समझ गए हैं तो पूरा समझ गए हम लोग। तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स होता है, सिंपली कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, कब लगता है, जब कॉन्टेक्ट में आता है। बट फ्रिक्शन फोर्स कब बोलेंगे, जब कॉन्टेक्ट फोर्स सरफेस के पैरेलली लगेगा तब हम उसको कॉन्टेक्ट फोर्स। पैरेलली क्यों लगता है उसका कहानी यहां पे देखो, उसका कहानी देखो। ए के द्वारा बी पे देखो इस डायरेक्शन में पैरेलली लग रहा है, बॉडी बी के द्वारा ए पे इस डायरेक्शन में पैरेलली लग रहा है, क्लियर, इसलिए हम उसको बोले पैरेलली। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, अब आगे एक पॉइंट बनाने जा रहे हैं आप लोगों के लिए कि बॉडी ए जब आगे मूव करने जा रहा है या मूव कर रहा है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कि जब बॉडी ए मूव करने की कोशिश कर रहा है या मूव कर रहा है तो बॉडी बी क्या कर रहा है,
इधर फोर्स लगा के इसको क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से देखिएगा फिर से, जब बॉडी ए इधर जाने की कोशिश कर रहा है या जा रहा है तो बॉडी बी बॉडी ए पे फोर्स लगाकर क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, रोक रहा है। देखो ना इसका अपोज, बॉडी इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है बट बॉडी बी क्या कर रहा है, इस पे इधर फोर्स लगा रहा है। जब इधर फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, इसके मोशन में अपोज होगा, क्या होगा, अपोज लगाने की, रोकने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रहा है, यानी कि फिर से बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही, बाकी तो सब इजी है, रट्टा मारो बट बिना रट्टा मारने ही आपको समझना होगा, रट्टा नहीं मार पाते इसके। आपको जब बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या मूव करने की कोशिश कर रहा है तो बॉडी बी ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, फोर्स लगा के रोक रहा है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। मोशन इस तरफ है तो ये बी जो फोर्स ए पे जो लगा रहा है इधर से लगा रहा है। तो मान लीजिए कोई बॉडी मान लीजिए उधर जा रहा है, उधर से कोई फोर्स लगाएगा, मान लीजिए इधर से कोई बॉडी जा रहा है उधर से कोई फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, उसके मोशन को क्या करेगा, अपोजिट रोकेगा ही ना जी। तो ये जो फोर्सेस जो है, ये वाला एफ डबल डैश, एफ डबल डैश जो बी के द्वारा ए पे लगा, ये फोर्सेस क्या कर रहा है, बॉडी ए के मोशन को क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, अपोज करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली ध्यान से देखिएगा, जब बॉडी बी इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है तो बॉडी ए के द्वारा जो फोर्स लगा है एफ डैश एफ डैश एफ डैश, ये फोर्सेस क्या कर रहा है, इसके मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। देखो ये बॉडी बी इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है तो बॉडी ए बॉडी बी पे इधर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, यानी कि अगर कोई बॉडी इधर ऐसे मूव करेगा और कोई इधर से फोर्स लगाएगा तो ये बॉडी रोकने की कोशिश करेगा कि नहीं, इसके मोशन में कमी आएगा कि नहीं, अपोज होगा कि नहीं मोशन में, होगा। तो बॉडी मान लीजिए बी इधर मूव कर रहा है, मूव करने की कोशिश कर रहा है तो बॉडी ए देखिए क्या कर रहा है, फोर्स लगा के एफ डैश उसको रोक रहा है, इधर फोर्स लगा के रोक रहा है, यानी कि ये जो फोर्स जो है ये फोर्स क्या कर रहा है, बॉडी बी के मोशन को अपोज कर रहा है, इसके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। क्लियर हुआ? तो यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं कि ये एफ डैश एफ डैश एफ डबल डैश जो है ये एक्चुअली क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, और ये फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, एक दूसरे के मोशन को, एक दूसरे के मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। एफ डैश क्या कर रहा है, बी के मोशन को अपोज कर रहा है, एफ डबल डैश क्या कर रहा है, ए के मोशन को अपोज कर रहा है, और एफ डबल डैश क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, एक दूसरे के मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। देखिए पूरा डिफिनेशन कोई कोई आपको लिखवा लेगा सीधा, और उसी को बोलेगा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। क्यों करता है हम आपको ये बता रहे हैं, पूरा स्टार्टिंग जीरो से आपको समझा रहा हूं, जो डिफिनेशन किस तरह से लाया गया है वो आपको बता रहा हूं। यानी कि ये जो फ्रिक्शन फोर्सेस जो है, ये फ्रिक्शन फोर्सेस क्या है, एक दूसरे बॉडी का क्या कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, यानी कि एफ डैश जो है बी के मोशन को अपोज कर रहा है, देखिए दबाकर, एफ डबल डैश जो है ए के मोशन को अपोज कर रहा है। तो ये एफ वन डैश मतलब एफ डैश और एफ डबल डैश क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। यहां से क्या हमें देखने को मिला कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, एक दूसरे के मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। क्लियर हुआ? तो यहां पे हम लिखने जा रहे हैं देयरफॉर कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेस द, ध्यान से देखेंगे, अपोजेस द रिलेटिव मोशन, रिलेटिव स्लिपिंग लिख दे रहे हैं, बता रहे हैं क्या होता है, रिलेटिव स्लिपिंग और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट हाँ। देखो ध्यान से सुनो क्या लिखे हैं। अच्छा बताओ
कि जब बॉडी ए इधर जाएगा बॉडी बी इधर जाएगा तो इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट में आएगा क्या करेगा, स्लिप करेगा कि नहीं, सिंपली हिल जाएगा। कि जैसे मान लो ये हैंड है और ये हैंड है, ये कांटेक्ट में है, तो अगर इस तरह से हो रहा है तो क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में स्लिपिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? स्लिपिंग हो रहा है। यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि ये जो फोर्सेस जो है एफ डैश और एफ डबल डैश, ये दोनों फोर्सेस क्या कर रहा है, इन दोनों बॉडी के बीच में जो स्लिपिंग हो रहा है उस स्लिपिंग को भी अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। यानी कि ये फोर्सेस क्या करेगा, इसको आगे नहीं बढ़ने के देगा, ये फोर्सेस क्या करेगा, इसको आगे नहीं बढ़ने देगा। यानी कि ये दोनों फोर्सेस क्या कर रहा है, इन दोनों को आगे बढ़ने से मतलब एक दूसरे को इस तरह होने नहीं दे रहा है। नहीं समझ में आया, उड़ गया ऊपर से। ए वाला जो है ए के द्वारा बी पे लगा है, यानी कि बी को इधर जाने नहीं देगा क्योंकि इधर लग रहा है ए के द्वारा। बॉडी ए इधर जा रहा है, बॉडी बी जो है ए पे इधर फोर्स लगा रहा है, यानी कि बॉडी बी इस पे लगा के फोर्स इधर जाने से रोक रहा है। यानी कि बी के द्वारा जो ए डबल डैश लगा है, ये फोर्सेस बॉडी ए को इधर जाने से रोक रहा है। ए के द्वारा जो ये फोर्स लगा है बी द्वारा, मतलब बी के, ये फोर्स क्या कर रहा है, बी को इधर जाने से रोक रहा है। यानी कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को रोक रहा है। जब रोक रहा है तो क्या करेगा, एक दूसरे के बीच में स्लिपिंग नहीं होगा। यानी कि ये दोनों फोर्सेस क्या कर रहा है, स्लिपिंग को अपोज कर रहा है इन दोनों के बीच का, या बोल सकते हैं इन दोनों के मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ये भी बोल सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि ये सब फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द रिलेटिव स्लिपिंग। रिलेटिव मतलब एक दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है, दोनों के बीच में जो स्लिपिंग हो रहा है उसको रिलेटिव स्लिपिंग बोलते हैं। और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग, देखो स्लिप कर रहा हो उसको भी अपोज करेगा, या स्लिप करने की कोशिश कर रहा हो उसको भी अपोज करेगा। तो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग मतलब कि स्लिपिंग होने की कोशिश कर रहा है, स्लिपिंग होने की कोशिश कर रहा है। बात समझ में आया? बात समझ में आया ना? बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट, बिटवीन दी टू कॉन्टैक्ट, बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट, समझ में आया? बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेस, इसको लिख दो। तो अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द फ्रिक्शन या व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो बोलिएगा फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज द रिलेटिव स्लिपिंग और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द टू कॉन्टेक्ट सरफेस। रिलेटिव स्लिपिंग यानी कि स्लिप कर रहा है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग यानी कि करने की कोशिश कर रहा है, उसको क्या करता है, अपोज करता है। क्लियर होगा? बात समझ में आया? अब आगे सुनेंगे एक चीज और, ध्यान से देखेंगे यहां पे कि बॉडी ए का मोशन या मूवमेंट या मूव करने की डायरेक्शन किधर है, इधर है। और बॉडी ए पे जो बी के द्वारा जो फोर्स लगा है, यानी कि बॉडी ए पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या है, एफ डबल डैश है। एफ डबल डैश ही जो है बी के द्वारा लगा है ए पे। तो ये जो फोर्सेस जो लगा है, ये फोर्सेस का जो डायरेक्शन है बॉडी ए के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। बॉडी का मोशन, ए का मोशन का डायरेक्शन किधर है, इधर। और बॉडी ए पे जो ये फोर्सेस लगा है ये वाला, इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि बॉडी ए जो है इस पे जो फोर्सेस लगा है ए डबल डैश इधर है, और ये मूव करने की कोशिश कर रहा है इधर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बॉडी बी पे आते हैं, बॉडी का मूवमेंट किधर है, इधर। बॉडी का मूवमेंट का डायरेक्शन इधर है, बट बॉडी बी पे जो फोर्सेस लगा है एफ डैश एफ डैश एफ डैश जो ए के द्वारा लगा है उसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। क्या है, इधर है। यानी कि जैसे बॉडी ए पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगा है एफ डबल डैश है, बॉडी बी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगा है एफ डैश है। आप ध्यान से देखिए कि बॉडी ए पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगा है बॉडी ए के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, इसका मोशन इधर है तो इसका डायरेक्शन इधर है। बॉडी बी का जो मोशन का जो डायरेक्शन है और इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगा है उसका डायरेक्शन जो है अपोजिट है। यानी कि बॉडी बी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगा है उसका जो डायरेक्शन है बॉडी बी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। देयरफॉर एक पॉइंट और बोल दिया कि फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन ऑलवेज एट, ऑलवेज एट
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द यहां से क्या देखने को मिला कि बॉडी ए का मोशन किधर है बट बॉडी ए पे जो फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है किधर है, यानी कि मोशन के जस्ट उल्टा है। बॉडी बी का मोशन का डायरेक्शन किधर है बट इसका फोर्स जो लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स उसका डायरेक्शन क्या है, मोशन के अपोजिट है। तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल दिए कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ऑलवेज एक्ट करता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो ये पॉइंट भी हो गया। जितना भी पॉइंट आपके बुक में लिया है ये आपको पढ़ाया जाता है, हम उसका प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लगता है। ये देखिए ये पूरा कहानी बता रहा है सब कुछ। पैरेलली क्यों लगता है ये बता रहा है सब कुछ, यानी कि जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो पूरा सबका सब प्रूफ होना शुरू हो गया। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है।